हरी सब्जियों में पालक एक ऐसा सब्जी है जो पूरे साल भर हमें मार्केट में मिलता है और हम कंज्यूम करते हैं। हफ्ते में एक बार तो कम से कम पालक की सब्जी बनती होगी। पालक पनीर बनता है, पालक मटर बनता है, पालक आलू बनता है। सो मेनी वेराइटीज हम बनाते हैं और पालक को कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अंदर कितना कैलोरी होता है, कितना प्रोटीन होता है और कितना फैट होता है, और बाकी के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये क्या होती है, इसके अंदर कौन से विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डीटी जगदीश। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और डाइट कंसल्टेंट हूँ। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो या वेट गेन करना चाहते हो और पालक का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको पालक के अंदर कितना कैलोरी होता है, कितना प्रोटीन होता है और कितना फैट होता है ये जानना जरूरी होता है, ताकि आप अपने डाइट को प्रॉपर मॉडिफाई कर सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। अगर आप यूट्यूब पे अगर सर्च करते हो तो आपको ढेर सारी वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल जाती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वैल्यू यूज़ करें और अपने डाइट को कैसे मॉडिफाई करें। तो इसलिए मैं आपके साथ आज जो भी कैलोरी या प्रोटीन या फैट की जो वैल्यू शेयर करूंगा ये सटीक होगी, परफेक्ट होगी, और ऑफिशियल अप्रूव्ड जो वैल्यू है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपने डाइट को मॉडिफाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पालक का बेनिफिट ले सके। अगर हम 100 ग्राम अगर स्पिनेच लेते हैं, मतलब पालक लेते हैं, और उसके अंदर अगर हम वाटर फाइंड आउट करते हैं, मतलब मॉइस्चर फाइंड आउट करते हैं, तो लगभग 91 ग्राम के आसपास हमें वाटर मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, अच्छा खासा पानी होता है इसके अंदर, और साथ में इसके अंदर डाइट्री फाइबर मिल जाता है। लगभग 2 ग्राम के आसपास डाइट्री फाइबर मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो लगभग 2 ग्राम के आसपास हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो लगभग 30 mg के आसपास हमें इसके अंदर विटामिन सी मिलता है। साथ में इसके अंदर हमें विटामिन डी मिल जाता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी हमें सबसे ज़्यादा मिलता है पालक के अंदर। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इसके अंदर हमें अच्छा खासा कैल्शियम भी मिल जाता है, लगभग 82 mg के आसपास हमें कैल्शियम मिलता है। आयरन की अगर हम बात करें तो लगभग 2.95 या 3 mg के आसपास हमें इसके अंदर आयरन मिलता है। इसके अंदर हमें सेलेनियम भी मिलता है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, सोडियम होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो लगभग सारे मिनरल्स और विटामिन इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। सिर्फ विटामिन डी जो होता है ये बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और अगर हम वैल्यू की अगर बात करें तो कॉपर भी लगभग 1 mg के नीचे ही होता है, और सेलेनियम की अगर बात करें तो लगभग 2 UG के आसपास हमें इसके अंदर सेलेनियम मिल जाता है। सोडियम की अगर बात करें, अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा आता है, लगभग 625 mg के आसपास हमें इसके अंदर पोटेशियम मिल जाता है। और सोडियम की अगर हम बात करें तो लगभग 42 mg के आसपास हमें इसके अंदर सोडियम मिलता है। और जिंक की अगर बात करें तो लगभग आधा, जिसे हम बोल सकते हैं हाफ mg के आसपास हमें इसके अंदर जिंक मिलता है। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो 0.46 mg के आसपास हमें इसके अंदर जिंक मिलता है। मैग्नीशियम और मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज थोड़ा बढ़ के आता है, 86 mg के आसपास हमें इसके अंदर मैंगनीज मिलता है। और मैग्नीशियम की अगर बात करें तो लगभग 1.5 या 1.12 mg के आसपास हमें इसके अंदर हमें मैग्नीशियम मिलता है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 mg के आसपास हमें इसके अंदर हमें एल्यूमिनियम मिलता है। तो ये था मिनरल्स और विटामिन्स के वैल्यूज। और अभी आते हैं हम इसके कैलोरी पे। अगर हम इसकी कैलोरी की बात करें तो ये लो कैलोरी होता है, डाइजेशन इसका स्लो होता है, हार्ड होता है, और इसी कारण शायद ये वेट लॉस में हमें हेल्प करती है, वेट लूज करने में हेल्प करती है। अगर आपको वेट गेन के लिए यूज़ करना है तो इसके अंदर जो आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, और बाकी के जो मिनरल्स है, विटामिन ए है, सी है, के है, ये आपको वेट गेन के लिए हेल्प करेगा। लेकिन इसके अंदर का जो लो कैलोरी है ये हमको वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर हम ऑफिशियल कैलोरी की बात करें तो पालक के अंदर हमें 100 ग्राम के पालक के अंदर लगभग 24 ग्राम के आसपास हमें कैलोरी मिलती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 2.14, मतलब लगभग 2 ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर प्रोटीन मिलता है। और अगर हम फैट की बात करें तो आधा ग्राम, मतलब 0.5 या हाफ ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर फैट मिलता है। तो ये थे ओवरऑल पालक के वैल्यूज, न्यूट्रिशन वैल्यूज और मिनरल्स और विटामिन की वैल्यूज। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वैल्यू डेफिनेटली यूजफुल रहेंगी, आप इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने डाइट को मॉडिफाई करेंगे और वेट लॉस और वेट गेन में इसका इस्तेमाल करेंगे। और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइस, बाय बाय।